नमस्कार, मैं रामकरण पटेल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी जालौर। हम पढ़ रहे हैं EE 310 एनर्जी मैनेजमेंट, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हमें ऊर्जा की बचत करनी है, ऊर्जा को बचाना है, लेकिन किस प्रकार से हमें इस प्रकार से ऊर्जा को बचाना है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की ना तो क्वालिटी ख़राब हो और ना ही उसकी क्वांटिटी पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन रखते हुए ऊर्जा की बचत करनी है। ये किस प्रकार हो सकती है? तो ऊर्जा कंजर्वेशन मेनली हम एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट यानी जो मशीनें हैं या जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वो अच्छी एफिशिएंसी वाली काम में लें, और साथ ही साथ जो एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है उसे अगर हम कम कर दें तो हमारी काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बच जाएगी। अगर हम देखें कि एनर्जी कंजर्वेशन की आवश्यकता क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण के माध्यम में मतलब इस तरीके से हम ऊर्जा को बचा करके हमारे किसी एक पार्ट में, किसी एक सिस्टम में, सपोज 100 यूनिट ऊर्जा रोज खर्च हो रही है, हमने ऊर्जा को बचाना शुरू कर दिया, अब 100 की जगह 90 वहाँ पर यूनिट एनर्जी खर्च होने लगी, तो वो 10 जो यूनिट है वो हमारी एनर्जी बच गई, जिससे क्या होगा कि हमारे जो बिजली का बिल है वो हमारा कम आ जाएगा, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और जो 10 यूनिट बच गई वो जिसको नहीं मिल रही थी ऊर्जा, जहाँ तक हमारी बिजली नहीं पहुँच पा रही थी, एनर्जी नहीं पहुँच पा रही थी, उसको वो मिल जाएगी। यानी कि इस प्रकार से एक तो हम अपनी जो कॉस्ट है एनर्जी की उसको रिड्यूस कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए हमेशा चारों तरफ से हम देखें तो फ़ायदा ही है, और दूसरा जो एनर्जी यानी कि सबको उपलब्ध कराने के लिए जो स्कीम्स लाई जाती है, जो नए नए प्लांट लगाए जाते हैं, तो इस प्रकार से भी हम एनर्जी को जहाँ पर नहीं एनर्जी मिल रही थी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और बिना किसी को प्लांट के लगाए यानी कि एक भी रुपया खर्च किए बिना हम अपनी भी बचत कर रहे हैं, और जो नए सेक्टर में जहाँ पर उस नए स्थान पर जहाँ तक एनर्जी नहीं पहुँच रही थी वहाँ पर भी एनर्जी पहुँचना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है विकासशील देशों के लिए, जहाँ पर एनर्जी की जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन एनर्जी इतनी हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अब हम देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन बहुत से स्थानों में किया जाता है। हम बात कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन करना हाउस होल्ड यानी अपने घरों में, और कॉमर्शियल सेक्टर में एनर्जी कंजर्वेशन करने के जो तरीके हैं उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इन हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल सेक्टर। एनर्जी कंजर्वेशन की जो शर्तें हैं वो पहले ही हमने आपको बता दी कि उसमें जो प्रोडक्ट है, जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, उसको मेंटेन रखते हुए हमें ऊर्जा की बचत करनी है। हाउस होल्ड यानी कि हमारे घर, और कॉमर्शियल सेक्टर यानी कि जो ऑफिस है, जो दुकान है, दफ्तर है, उन सब की बात करें तो यहाँ पर हम कौन कौन से स्थान है जहाँ पर हम ऊर्जा को बचा सकते हैं, एक एक करके हम सबको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहली अगर हम बात करें तो न्यू बिल्डिंग डिज़ाइन, बिल्डिंग्स न्यू, आपने देखा होगा कई सारे बिल्डिंग्स जगह की कमी के वजह से इस प्रकार बना दी जाती है कि दिन में दोपहर में जब सूर्य तेज चमक रहा होता है उस समय भी वहाँ पर कमरे में हवा नहीं पहुंच पाती, कमरे में प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो अगर उस किसी कमरे में काम करना है तो दिन में भी आपको वहाँ पे जो बल्ब है, जो लाइट है, उनको चालू रखना पड़ेगा, और हवा के लिए भी पंखे वगैरह आपको चालू रखने होंगे। तो बिल्डिंग की डिज़ाइन इस प्रकार से होनी चाहिए कि बिल्डिंग के चारों तरफ जगह छोड़ दें और जगह जगह खिड़की वेंटिलेटर्स वगैरह लगा दें, ताकि दिन में हर एक कोने में घर के या बिल्डिंग के, मतलब ऑफिस के हर एक कोने में पर्याप्त वहाँ पर प्रकाश पहुँचे, दिन में हमें लाइट चालू करने की कतई आवश्यकता ना हो, और हवा बहुत अधिक
पहुँचे। अगर बाहर की हवा नहीं चल रही है तो उस केस में हमें पंखे वगैरह चालू करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रकाश और हवा का पर्याप्त बंदोबस्त हो जाए, ठीक है। उसके बावजूद बिल्डिंग में मान लो गर्मी ज़्यादा रहती है गर्म प्लेसों पे, तो आसपास पेड़ पौधे लगा दिए जाए जिससे वहाँ पे ठंडक बनी रहती है। अगर पेड़ की छाया बिल्डिंग के दीवारों पर या छत पर रहती है तो बिल्डिंग की दीवारें और छत ठंडी रहेगी और अंदर भी ठंडक बनी रहेगी। तो इस प्रकार बिल्डिंग के डिज़ाइन को मॉडिफाई करके हम एनर्जी को बचा सकते हैं। हमें दिन में जो हमारे बल्ब वगैरह चालू करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, पंखा भी कम चालू करना पड़ेगा। अगली बात, सोलर सिस्टम आजकल बहुत लगाए जा रहे हैं बिल्डिंग पे, तो जहाँ पर भी काम सोलर सिस्टम से हो सकता है क्योंकि सोलर एनर्जी वो बिल्कुल फ्री मिलती है। तो जैसे कि अगर कुकिंग है तो सोलर कुकर की मदद से हम खाना बना सकते हैं, तो वहाँ पर हमारी एनर्जी बच जाएगी। और वाटर गर्म, पानी गर्म करना है तो सोलर हीटर आते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में हमें पानी गर्म करके देते हैं, वहाँ पर एनर्जी हमारी बच जाएगी। और सोलर पैनल लगाकर जो कि जो सोलर ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देती है, तो उसके माध्यम से भी हम एनर्जी की बचत कर सकते हैं। जो अगर सोलर पैनल लगे हुए हैं तो वहाँ से जो एनर्जी पैदा होती है उस एनर्जी को हम बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। तो हमें अलग से पैनल से या कह सकते हो अलग से हमें ग्रिड से एनर्जी हम जो ले रहे हैं वो हमें बहुत कम लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगली हम बात करते हैं लाइटिंग की, यानी कि प्रकाशीय उपकरण। देखिए, हम जानते हैं कि आज के ज़माने में हर एक घर के अंदर लाइट की आवश्यकता होती है, बिना लाइट के हमारा काम नहीं चलता। और इवन रात में तो लाइट की अति बहुत ही अधिक आवश्यकता महसूस की जाती है। तो जब लाइट तो हमें चाहिए चाहिए, इसमें तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करें कि हमारा बिजली का बिल कम आए, हमारी जो एनर्जी है वो भी बच जाए और हमें जितनी लाइट चाहिए वो पर्याप्त लाइट हमें मिलती रहे। तो इसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जब भी हम मकान से या घर से बाहर जाते हैं, ऑफिस से बाहर जाते हैं, यानी कि अनावश्यक जहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है उन लाइट्स को बंद कर देना चाहिए। भले ही दिन में 10 बार बंद करना पड़े, बंद कर देना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आजकल काफ़ी सारे ऑटोमेटेड सिस्टम आ गए हैं जो ये जो सेंसर्स वगैरह डिटेक्ट कर लेते हैं कि कमरे के अंदर कोई है या नहीं है। तो वैसे सिस्टम अगर लगा दिए जाए तो जैसे कोई कमरे के अंदर एंटर करेगा लाइट चालू हो जाएगी, बाहर आएगा अपने आप लाइट बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी जब हम बाहर जा रहे थे और बल्ब चालू रह रहा था, तो वो एनर्जी वेस्टेज बच जाएगा। और जो स्ट्रीट लाइट होती है, जो रोड लाइट्स वगैरह होती है, उस पर इस तरीके का सिस्टम लगा दिया जाए कि जब अंधेरा हो जाए तो लाइट अपने आप चालू हो जाए और जैसे ही प्रकाश हो लाइट अपने आप बंद हो जाए। तो कई बार देखने को मिलता है कि रोड लाइट दिन भर चालू रह जाती है, जो एनर्जी वेस्टेज होता है वो एनर्जी वेस्टेज इस तरीके से हम बचा सकते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि सपोज ये हमारा कोई बड़ा हॉल है और हम काम कर रहे हैं इस पोर्शन पे, यहाँ पर हमें कुछ काम करना है, लेकिन चूँकि लाइट कहीं सेंटर में लगी हुई है, बड़े हॉल में लाइट सभी कोने तक पहुँचानी है तो बड़ी लाइट की आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ पर एक बड़ी लाइट लगी हुई है और जिससे कि कोने कोने तक इसमें पर्याप्त प्रकाश पहुँच रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो बड़ी लाइट है जो कि एनर्जी कंजम्पशन भी इसका काफ़ी ज़्यादा होगा, तो हम ये ना करके हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लाइट यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। जब हम केवल यहाँ पर काम कर रहे हैं तो केवल इस लाइट को चालू रखें, बाकी सारी लाइट हम बंद रख दें। इससे क्या होगा कि केवल ये एक छोटी सी लाइट चालू रहेगी, हमें जितना प्रकाश चाहिए पहले भी हमें उतना ही मिल रहा था, अब भी हमें उतना ही मिल रहा है, लेकिन जो बड़ी लाइट के कारण एनर्जी वेस्टेज हो रहा था, एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था, वो अब यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट को यूज करके, यानी कि हमने ये देखा है कि कई प्रकार की लाइटें आजकल हमें देखने को मिलती हैं। एक जो बल्ब थे जो बहुत ही मतलब गर्म होते थे, कांच के और पीली लाइट देते थे, जिन्हें कि इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं,
बल्ब, दूसरा है वो है हमारी ट्यूबलाइट, एक और है CFL जिसे कि, और इसके अलावा हमें देखने को मिलती है LED। ये मेनली आजकल जो ट्रेंड में काम आने वाले लाइट्स हैं। अब अगर हम इस पर एक नज़र डालें तो जो ये बल्ब है ये बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी कंज्यूम करता है। सपोज़ कि हम चाहते हैं कि हमारे जो लाइट है, अगर हम ये माने कि सबसे निकलने वाला जो आउटपुट है, जो प्रकाश है, वो सबका समान है, तो हम समान प्रकाश को लेते हैं। अगर यहाँ पर 60 वॉट का बल्ब हमारा काम आ रहा है, बल्ब है 60 वॉट का, प्रकाश सबका समान है, जब ये 60 वोल्ट का है तो ये ट्यूबलाइट 36 वोल्ट की ट्यूबलाइट इतना ही प्रकाश पैदा कर देती है। अगर हम CFL की बात करें तो 15 वोल्ट की CFL भी इतना ही प्रकाश पैदा करती है। LED की बात करें तो 9 वोल्ट की LED भी इतना ही प्रकाश पैदा करती है। अब आप देखिए, प्रकाश हमें बराबर मिल रहा है, यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है केवल 9 वोल्ट है, यहाँ पर 15 वोल्ट अधिक है, 36 वॉट है, और यहाँ पर बहुत ही अधिक 60 वॉट। तो अगर हम इन बल्ब के स्थान पर LED यूज करें तो हम साफ देखने को मिल रहा है कि हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमारी बच जाएगी, और जो हमें प्रकाश मिल रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम थोड़ा और डिटेल में बात करें तो बल्ब के स्थान पे, बल्ब का मतलब इनकैंडेसेंट बल्ब है, बल्ब के स्थान पर अगर CFL यूज की जाती है तो 80% एनर्जी हमारी सेव हो जाती है। आज के ट्रेंड में LED चल रही है, LED का ज़माना आ चुका है, जगह जगह LED देखने को मिलती है। अगर हम CFL के स्थान पे LED को काम में लें तो हमारी फर्दर 40% एनर्जी सेव हो जाती है, यानी कि LED बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके अलावा इनके और भी जो गुण हैं, बल्ब है बहुत ही फ्रिक्वेंटली फ्यूज़ हो जाता था वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के कारण या और भी किसी वजह से, लेकिन बल्ब बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाता था, ये बहुत मतलब ये भी कम, ये इससे भी कम और ये इससे भी कम फ्यूज़ होता है, यहाँ पर फ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर इनकी हम लाइफ की बात करें तो अगर हम आवर्स की बात करें तो हम जैसे इस तरफ बढ़ते जाते हैं सबसे कम आवर्स इनके, इनकी लाइफ और अधिक, इसकी और अधिक, और इसकी लाइफ भी बहुत अधिक है। यानी कि एक बार आपने LED लगा दी तो वो कई मतलब घंटों तक आपके वो काम आएगी, लंबे समय तक ये LED आपके काम आएगी, जबकि ये जल्दी खत्म हो जाता है। अगर हम इसके मटेरियल की बात करें तो चूँकि ये तीनों कांच के बने हुए थे और इसकी वजह से हल्का सा शॉक लगने पर या चोट लगने पर ये फूट जाते थे और डैमेज हो जाते थे, LED इस प्रकार से डैमेज नहीं होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी अधिक होती है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो नो डाउट ये ज़्यादा महंगा है, जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं महंगाई बढ़ती जाती है, ये सस्ता, ये इससे महंगा और महंगा और ये सबसे महंगा है, लेकिन ये जो इनिशियल कॉस्ट इनकी भले ही अधिक हो लेकिन रनिंग कॉस्ट इनकी बहुत कम हो जाती है, एनर्जी सेविंग बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए कुछ ही समय में, कुछ महीनों में ही कह सकते हैं कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो सबसे कम इसकी रहती है, इसकी फिर भी अधिक रहती है, इसकी भी अधिक रहती है और इसकी सबसे अधिक कॉस्ट रहती है। इसलिए LED हर तरीके से, हर डायरेक्शन से अगर हम देखें तो सबसे उपयुक्त है और एनर्जी बहुत अधिक ये सेव करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको काम में लेना चाहिए। इसके बाद ये तो थी लाइटनिंग वालों की, जहाँ जो कि उपकरण हमारे प्रकाश करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगली डिवाइस की जो कि हमारे घरों में और ऑफिस में काम आती है, और वो है AC। तीसरा उपकरण है रूम AC। अब देखिए, हम जानते हैं कि AC का क्या काम है। AC कई जगह लगाते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम अपने अनुसार कंट्रोल कर सकें, मेंटेन कर सकें, वातानुकूलित स्थान को कर सकें। AC में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है।
एसी में हम कैसे एनर्जी बचा सकते हैं वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो जिस रूम में एसी लगाई जा रही है, जहाँ पर एसी लगी है जिस रूम के अंदर, उस रूम के खिड़की और दरवाजे पूरे पूर्ण रूप से बंद रखें। अदरवाइज एसी ठंडा करती रहेगी और इसकी जो ठंडक है वो बाहर जाती रहेगी या बाहर से गर्म हवा अंदर आती रहेगी, तो रूम को ठंडा करने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जिस स्थान पे एसी लगी हुई है, यानी कि जिस बिल्डिंग को या रूम को हम ठंडा रखना चाहते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं चारों तरफ, तो पेड़ पौधों की छाया जब छत पर और दीवार पर रहेगी तो वो जो कमरा है पहले की तुलना में कम गर्म रहेगा, ऑलरेडी वो हमें ठंडा ही मिलेगा। और थोड़े समय के लिए अगर हम एसी चला लेंगे तो हम जो टेम्परेचर चाहते हैं वो टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। इसके अलावा और एनर्जी बचत करने के लिए जो इसकी जो खिड़कियाँ वगैरह है, जहाँ से रोशनी और धूप आ रही है, उस खिड़कियों को पर्दे की मदद से बंद कर देना चाहिए, ताकि जो बाहर की जो धूप आ रही है वो धूप अंदर आकर अंदर के वातावरण को गर्म ना करे। और जब हमें ठंडा करना होगा हम एसी को थोड़े समय चलाएंगे और हमारा पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, उन फिल्टर्स को नियमित रूप से साफ़ करना रहता है, ताकि उसमें से हवा बराबर निकल सके और उसकी वजह से अंदर जो कचरा फंस जाता है उसकी वजह से हमारी एनर्जी वो वेस्ट ना हो। इसके अलावा देखिए, एसी जो टेम्परेचर कम करती है, सपोज़ कि रूम का टेम्परेचर है 36 डिग्री, रूम का टेम्परेचर है 26 डिग्री, हम 26 से 25 डिग्री करना चाहते हैं, यानी कि हम एक डिग्री टेम्परेचर कम करना चाहते हैं। दूसरा जो केस है उसमें टेम्परेचर है 9 डिग्री और हम 8 डिग्री करना चाहते हैं, यानी कि अगेन हम 1 डिग्री टेम्परेचर ही कम करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम होगी 1 डिग्री कम करने में वो बहुत कम होगी, और यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी वो बहुत अधिक होगी। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, एसी को टेम्परेचर अधिक कम करने के लिए बहुत ही अधिक एनर्जी कंज्यूम करनी होती है, बहुत ही लंबे समय तक एसी चलता है, तब जाके 1 डिग्री कम हो पाती है। तो इसलिए जितनी हमें ज़रूरत है, हमें जितना टेम्परेचर की आवश्यकता है उतना ही उसका टेम्परेचर सेट करना चाहिए। अधिक अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को कम सेट कर देते हैं तो वहाँ तक पहुँचने में एसी को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमारी कंज्यूम होती है, हम कह सकते हैं वेस्ट होती है। ठीक है, तो नॉमिनली अगर हम देखें तो हमारा 25 डिग्री टेम्परेचर होता है वो हमारे लिए काफ़ी सेहतमंद, काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसका जो टेम्परेचर हम सेट करते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री हमें सेट करना चाहिए। इससे जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी वेस्टेज हमारा बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज समझा कि हमारे घर पर या ऑफिसों में किस प्रकार हम एनर्जी को मतलब वेस्ट होने से बचा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। और ये हो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें भली भांति समझ में आई आ गई होगी। ठीक है, धन्यवाद।